तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक रियोस्टेट। रियोस्टेट की डेफिनेशन यह है कि इट इज अ वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टर विच कैन आल्सो एक्ट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। इसकी कंस्ट्रक्शन ये होती है कि एक बेयर मैग्नम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और कॉपर का एक मिक्सचर होता है, उस वायर को एक इंसुलेटेड फ्रेम के ऊपर वाउंड किया जाता है बहुत टाइटली और इसे फिक्स किया जाता है बिटवीन टू टर्मिनल्स, टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी। यानी इस वायर का एक सिरा टर्मिनल ए और एक सिरा टर्मिनल बी के साथ कनेक्टेड होगा और स्टूडेंट्स उसके ऊपर एक टर्मिनल सी जो स्लाइडिंग टर्मिनल है, यानी इस टर्मिनल को हम लेफ्ट और राइट स्लाइड कर सकते हैं। अब हम इसे किस तरीके से एज अ वेरिएबल रेजिस्टर और एज अ पोटेंशियल डिवाइडर यूज कर सकते हैं, उसे गौर से समझना है। अच्छा, एक और मैं बात बता दूं कि रियोस्टेट की जो सारी की सारी फिलॉसफी है वो एग्जैक्ट पोटेंशियोमीटर जैसी है। यानी अगर आपने रियोस्टेट को प्रॉपर अंडरस्टैंड कर लिया एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, तो आप पोटेंशियोमीटर की भी बेसिक साइंस को अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो इसको जब एज अ वेरिएबल रेजिस्टर यूज करना है तो स्टूडेंट्स क्या करना है, आपने फर्ज करें आपने इसके टर्मिनल ए और टर्मिनल सी इसके साथ आपने कनेक्ट कर दी एक बैटरी। लेट से यहां पर हम एक बल्ब ऐड कर देते हैं, साथ एक स्विच ऐड कर देते हैं और सर्किट कंप्लीट कर देते हैं। यानी अगर आप ये याद रखें शॉर्टकट, तो आपने इसको जो वेरिएबल रेजिस्टर यूज करना ना, तो सिर्फ इसके टर्मिनल ए और टर्मिनल सी को यूज करना है। एंड रिमेंबर दिस रिलेशन के रेजिस्टर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सो नाउ वॉच केयरफुली, स्विच क्लोज किया, करंट फ्लो करेगा, टर्मिनल ए में एंटर हो जाएगा। अब एंटर होने के बाद ये इस वायर से पास करता हुआ जैसे ही टर्मिनल सी के साथ इंटरेक्ट करेगा, ये टर्मिनल सी में एंटर होगा, यहां से पास करेगा और सर्किट में सर्कुलेट करेगा एंड द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग। ऑलराइट, अब देखिए रियोस्टेट की सिर्फ इतनी सी वायर जो है वो इंक्लूड हुई है, यानी लेंथ कम है तो जो रेजिस्टेंस ऑफर हुई है वो भी क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट हम ये करते हैं कि हम इस स्लाइडिंग टर्मिनल को स्टूडेंट्स मूव करके यहां तक ले जाते हैं। अब फिर से स्विच क्लोज ओपन करके क्लोज करेंगे, करंट एंटर होगा, टर्मिनल ए से एंटर होगा, अब करंट फ्लो करता रहेगा इसी रियोस्टेट वायर में और जहां टर्मिनल सी आएगा, क्योंकि रास्ता ही ये है सर्किट कंप्लीट होने का। देखिए बी की तरफ वो जा ही नहीं सकता क्योंकि बी पे कोई पोटेंशियल ही क्रिएट नहीं हुआ, तो सी से एंटर होके वो इधर से पास करेगा। ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी, उसकी रीजन कि ज्यादा लेंथ इंक्लूड हुई है, लेंथ ज्यादा इंक्लूड होगी तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये था एक सिंपल सा यूज इसका एज अ वेरिएबल रेजिस्टर। और इसमें कौन से टर्मिनल आपने यूज करें, टर्मिनल ए और टर्मिनल सी। अब आते हैं पोटेंशियल डिवाइडर पर, डिवाइड बाद में करते हैं, पहले पोटेंशियल समझने क्या होता है। फर्ज करें कि मैं टर्मिनल ए और टर्मिनल बी को एक वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर देता हूं और फर्ज कर लेते हैं कि ये वोल्टेज सोर्स है 100 वोल्ट का। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव हाई पोटेंशियल होता है और नेगेटिव लो पोटेंशियल होता है, तो टर्मिनल ए कितने पोटेंशियल पर है, 100 पर, और टर्मिनल बी कितने पोटेंशियल पर है, 0 पर। तो सबसे पहले आपने पूरे रियोस्टेट के अक्रॉस क्या डिवेलप करना है, पोटेंशियल डिवेलप करना है। अब आपने इसे डिवाइड क्यों करना है, फर्ज करें कि आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं कि आपके पास बैटरी है 100 वोल्ट की, चार्ज आपको करना है अपना मोबाइल फोन जो है 4 वोल्ट पे, तो आप इसी 100 में से 4 कैसे अलग करेंगे। स्टूडेंट्स उसके लिए हम यूज करेंगे टर्मिनल बी और टर्मिनल सी को, बट उससे पहले ये कि पूरे रियोस्टेट पर पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है। याद रहे कि यहां पर पोटेंशियल कितना है, 100, और जो बी पे पोटेंशियल है वो क्या है, 0 है। तो करना क्या है, आपने यहां टर्मिनल सी से भी एक वायर कनेक्ट कर लें और टर्मिनल बी और सी के दरमियान फिलहाल सिर्फ चेक करने के लिए हम एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हैं। अब देखें टर्मिनल सी इस वायर पर हम वहां पर कनेक्ट कर रहे हैं जहां टर्मिनल बी भी है, तो देखिए बी भी 0 वोल्ट पर है
सी भी उसी जगह पे कनेक्टेड है, तो बी और सी के दरमियान इस वक्त वोल्टेज कितना शो होगा? 0 वोल्ट्स शो होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट, अगर हम इस टर्मिनल सी को स्लाइड करके मिड में ले आते हैं, डन। अब मिड में लाए हैं तो यहां तक हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो स्मॉल आर कंसीडर हो जाएगी। याद रहे इस पूरी वायर की जो रेजिस्टेंस है ना वो कैपिटल आर है। और उसमें एक चीज के अगर हम इस पूरी वायर में से करंट फाइंड करें तो वो होगा आई इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज ओवर टोटल रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स, अब चूंकि हमने इसे मिड तक ले आए हैं तो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन हमें ये आइडिया होना चाहिए कि यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, 50 होगा। तो इट मीन्स जो टर्मिनल सी है वो अब किस पे चला गया है, 50 वोल्ट पर, और टर्मिनल बी स्टिल किस पे है, 0 वोल्ट पर। तो वोल्ट मीटर पे रीडिंग क्या शो होगी, 50 वोल्ट। सिमिलरली अगर मैं इसको इसी तरह स्लाइड करते हुए 100 के करीब लेता हूँ तो यहां पर 50 से वैल्यू कहां तक चली जाएगी, 100 तक। तो इन शॉर्ट आप टर्मिनल सी को जितना ए की तरफ मूव करेंगे पोटेंशियल बढ़ेगा, जितना बी की तरफ मूव करेंगे पोटेंशियल कम होगा। अब आपको यहां पे कितना पोटेंशियल चाहिए था, 4 वोल्ट। तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्लाइडिंग टर्मिनल है वो यहां कहीं 0 के करीब करीब जो है वो जब आप उसे स्लाइड करेंगे तो आपका वोल्ट मीटर आपको रीडिंग प्रोवाइड कर देगा। नाउ इसकी स्कीमेटिक डायग्राम देखें तो ए और बी ये पूरी रियोस्टेट की वायर है जिसकी रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर। तो टर्मिनल बी और यहां पर टर्मिनल सी हम साथ प्लेस करते हैं, डन। अब ये टर्मिनल सी है, इसके दरमियान जो रेजिस्टेंस आ रही है वो आर है। तो स्टूडेंट्स, वोल्टेज बिटवीन बी एंड सी विल बी इक्वल टू आई आर। आई जो है वो टोटल करंट है और आर इतने से पोर्शन की रेजिस्टेंस है। अब वी बी सी, आई की वैल्यू क्या है, वी ओवर आर, 7 का मल्टीप्लाई आ रहा आर। तो वोल्टेज बिटवीन बी एंड सी टर्मिनल इज इक्वल टू आर बाय आर इनटू मेन सोर्स ऑफ वोल्टेज वी। अब इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा सा जस्टिफाई कर देता हूं कि देखें आपके पास वी बी सी इज इक्वल टू आर बाय आर इनटू वी है। नाउ लेट्स से कि हमारे पास जो आर है वो आर बाय 2 है, यानी हम बिल्कुल स्लाइडिंग टर्मिनल को मिड में ले आए तो यहां पे जो रेजिस्टेंस होगी वो हाफ ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि वी बी सी इज इक्वल टू आर बाय 2 इंटू वी, तो वी बाय 2। अब वी बाय 2 क्या था, लेट से 100 वोल्ट है ना, तो 100 डिवाइडेड बाय 2 यू विल गेट द आंसर 50 वोल्ट। तो मैंने यही आपको बताया कि मिड में आएगा तो लेट से वो 50 वोल्ट हो जाएगा। और अगर आप इस स्लाइडिंग टर्मिनल को बिल्कुल ए तक ले आएंगे तो आपके पास यही आर, स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के। तो जब आप कैपिटल आर पुट करेंगे तो फिर आपके पास आर बाय आर इंटू वी वोल्टेज क्या आ जाएगा, वी। यानी यहां पे फिर क्या शो होगा, यहां पे 100 शो होगा। तो इन शॉर्ट वेरिएबल रेजिस्टर यूज करना है तो एज ए सी, पोटेंशियल डिवाइडर यूज करना है तो कौन से टर्मिनल्स को यूज करना है, बी सी को। बट याद रहे कि ए और बी को पहले एक्टिवेट करना है बाय अप्लाइंग द मेन वोल्टेज सोर्स बैटरी। तो ये था हमारे पास रियोस्टेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 13 का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं जो है पोटेंशियोमीटर। एफएससी एग्जाम्स के हवाले से ये बताता चलूँ कि पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले जो क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन हैं पोटेंशियोमीटर एंड व्हीटस्टोन ब्रिज, जो चैप्टर 13 में से सबसे ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के कंटेंट्स में पोटेंशियोमीटर है, फिर पोटेंशियल मेजरिंग डिवाइसेस है, पोटेंशियोमीटर एज अ पोटेंशियल मेजरिंग डिवाइस, पोटेंशियोमीटर एज एंड अननोन ईएमएफ, एंड हाउ वी कैन कंपेयर द ईएमएफ टू ऑफ टू सेल्स। तो सबसे पहले पोटेंशियोमीटर क्या है स्टूडेंट्स? पोटेंशियोमीटर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जो इंतहाई चीप है, मतलब लकड़ी के कुछ पीसीज और कुछ वायर्स जो हैं उसमें यूज होती हैं। जैसे इट इज़ अ डिवाइस मेनली यूज टू मेजर द ईएमएफ ऑफ अ गिवन सेल एंड टू कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ द सेल। इट इज ऑल्सो यूज टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सेल। आप इसे इसकी डेफिनेशन के तौर पे याद रख सकते हैं, और ये भी याद रख सकते हैं कि इट कैन मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस वेरी एक्यूरेटली। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है स्टूडेंट्स? इसका वर्किंग प्रिंसिपल है नो डिफ्लेक्शन मेथड। नो डिफ्लेक्शन मेथड ये होता है कि इसमें हम कंपेयर करते हैं ये पोटेंशियोमीटर के वोल्टेज को डिफरेंट बैटरी के वोल्टेजेस के साथ, और जहां पर दोनों के वोल्टेजेस बैलेंस हो जाते हैं वहां पर करंट जीरो हो जाता है, यानी फिर सर्किट से कोई करंट ड्रॉ नहीं करता।
यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सेल ऑफ द सर्किट, दैट्स वाई इट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी आइडियल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस. तो पोटेंशियल मीटर इज इफेक्टिवली एन आइडियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंसेस. ये इसका एक ओवरव्यू हो गया. इसके बाद पोटेंशियल मेजरिंग डिवाइसेस पे आए तो स्टूडेंट्स तीन तरह के डिवाइसेस हम पोटेंशियल मेजरिंग के लिए यूज करते हैं, वोल्टमीटर, सीआरओ एंड एवोमीटर. अब वोल्टमीटर सबसे कॉमनली यूज होने वाली डिवाइस है. हमें किसी भी चीज के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो हम उसके अक्रॉस वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं. अब चूंकि वोल्टमीटर हमारे पास आइडियल तो होते नहीं है, गोके इनकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, लेकिन फिर भी ये सर्किट में से कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ कर लेते हैं, जो खुद इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक बन जाता है. इट मीन्स हम एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज जो है वो वोल्टमीटर से नहीं कर सकते. अब ये सस्ता तो है लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि सर्किट में से करंट ड्रॉ करता है. अच्छा, सीआरओ और एवोमीटर ये ऐसी डिवाइसेस हैं जिन डिवाइसेस की एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग द वोल्टेज तो बहुत अच्छी है, लेकिन स्टूडेंट्स ये बहुत कॉस्टली डिवाइसेस हैं. ये आम पर्पस के लिए, लेबोरेटरी पर्पस के लिए, आम लेबोरेटरी के अंदर इस्तेमाल होने के लिए ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव डिवाइसेस हैं. सो हमें एक चीप डिवाइस चाहिए है और एक्यूरेट मेजरिंग डिवाइस चाहिए, तो हमारे पास इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है कि हम पोटेंशियोमीटर को यूज करें. तो पोटेंशियोमीटर को अब हम देखते हैं कि ये पोटेंशियल कैसे मेजर करता है. तो सबसे पहले तो पोटेंशियोमीटर में ये चंद बातें याद रखनी है कि पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग रेजिस्टिव वायर ए बी. ये ए बी वायर है, ठीक है. ये जो सारी की सारी आपके सामने एक छोटे छोटे से आपको लेयर नज़र आ रही होंगी इन टर्मिनल्स के दरमियान, ये सारी ए बी वायर है और इसकी लंबाई जो है वो 4 मीटर से 10 मीटर तक हो सकती है. ये जो वायर्स हैं, ये जो आपको इस बोर्ड के ऊपर नज़र आ रही हैं, ये मैगनिन और कॉन्स्टेंटन मटेरियल से बनी हो सकती हैं. और इस सर्किट में हमें क्या रिक्वायर होता है, एक बैटरी चाहिए नॉन ईएमएफ की, इसी तरह रियोस्टेट अगर आपने पोटेंशियल वेरी करना है, और आपको एक स्विच की ज़रूरत पड़ती है. इस पूरे सर्किट को हम प्राइमरी सर्किट का नाम देते हैं. इसी की स्कीमेटिक डायग्राम मैंने डिजिटली यहाँ पर बनाई है कि फ़र्ज करें हमारे पास एक ईएमएफ यानी बैटरी है ऑफ नॉन ईएमएफ जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आर है. इसका जो टर्मिनल ए है वो चूंकि पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है तो हम कहेंगे ये हाई पोटेंशियल पर है, और टर्मिनल बी चूंकि नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है तो हम कहेंगे ये लो पोटेंशियल पर है. तो हम जनरलाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स के, लेट से बी का पोटेंशियल 0 है तो ए का पोटेंशियल जो है वो ई की वैल्यू के बराबर, यानी ई अगर 100 वोल्ट है तो ई जो है वो 100 वोल्ट, ये पॉइंट 100 वोल्ट पर होगा. अच्छा, आर जो है कैपिटल आर, ये इस पूरी पोटेंशियोमीटर वायर की रेजिस्टेंस है. आर क्या है, पूरी पोटेंशियोमीटर वायर की रेजिस्टेंस है. एक और चीज़ अब याद रखनी है स्टूडेंट्स, पोटेंशियोमीटर हमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट देता है वो ये कि हमें वायर की रेजिस्टेंस नहीं फाइंड करनी पड़ती. चूंकि ये जो वायर है ये कॉन्स्टेंट डायमीटर की होती है, इसलिए इसकी रेजिस्टेंस वेरी नहीं करती. फिर हम एक प्रोपोर्शनैलिटी का इस्तेमाल करते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो हम रेजिस्टेंस जहां पर आती है उसको लेंथ से भी चेंज कर सकते हैं. अभी आगे आप देखते रहेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी. अब पोटेंशियल कैसे मेजर करना है स्टूडेंट्स, एक चीज़ तो आपके सामने है कि यहाँ पे वोल्टेज 0 है और यहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम है ई है. तो व्हाट वी विल डू इन द नेक्स्ट डायग्राम, हम इस पॉइंट ए के साथ एक और वायर एक्सटेंड करेंगे और उसके साथ कनेक्ट करेंगे एक वोल्टमीटर, उससे आगे ले जाकर हम कनेक्ट करेंगे एक जोकी, जो कि एक मेटेलिक की होती है जिसे हम इस वायर के ऊपर कहीं भी प्लेस करके तो वोल्टेज की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं. अब देखें, इस वक्त जो जोकी है, जो पॉइंट सी है, जो टर्मिनल सी है, वो 0 के करीब करीब है. इसका मतलब है वोल्टमीटर पर जो रीडिंग है वो थोड़ी सी कम होगी, यानी वोल्टेज हमें शो करेगा कि इस पॉइंट पर कितना है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा. अच्छा, इसी टर्मिनल सी को हम थोड़ा सा ए के करीब करते हैं तो ऑटोमेटिकली वोल्टमीटर की रीडिंग पहले से बढ़ जाएगी, और ए के करीब करेंगे तो और ज़्यादा रीडिंग बढ़ जाएगी. अब स्टूडेंट्स, ए और सी टर्मिनल्स के दरमियान इंक्लूड होने वाली जो रेजिस्टेंस है वो आर है, ऑलराइट, और पूरी वायर की रेजिस्टेंस कैपिटल आर. अब अगर हमें सिर्फ ए और सी के दरमियान पोटेंशियल मेजर करना हो तो हम रियोस्टेट वाली इक्वेशन यूज करके, रियोस्टेट वाली इक्वेशन वी ए सी इज इक्वल टू स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर इन टू द मेन ई एम एफ ई, वो फाइंड कर सकते हैं. तो इसके बाद अब चूंकि रेजिस्टेंस और लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं स्टूडेंट्स, तो हम आर कैपिटल और स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल और स्मॉल एल को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो वायर है उसका डायमीटर वेरी नहीं कर रहा.
तो इजंट इट अ बेटर आइडिया कि आप बजाय इसके कि रेजिस्टेंसेस नापते फिरें और उनके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते पर आप सिंपल वायर की लेंथ मेजर करें और यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो आप कोई से दो टर्मिनल्स के दरमियान जो पोटेंशियल है उसे एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। तो ये है पोटेंशियोमीटर का यूज एज पोटेंशियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि पोटेंशियोमीटर अननोन ईएमएफ कैसे फाइंड कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, वो सर्किट जिसमें अभी एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड था, ये बात जहन में रखें कि वोल्ट मीटर के ऊपर वोल्टेज की रीडिंग्स आ रही थी, 10 वोल्ट आ रही थी, 20 वोल्ट आ रही थी, 30 कुछ भी आ रही थी, वोल्ट मीटर पे अपीयर हो रही थी, डन। हमने सिर्फ करना ये है कि जहां वोल्ट मीटर लगा था वहां पे अब दो नई चीजें कनेक्ट करनी है, एक वो बैटरी जिसका हमने ईएमएफ फाइंड करना है और साथ एक गैल्वानोमीटर अटैच कर देना है। मैं दोबारा शो कर रहा हूँ कि जहां वोल्ट मीटर था पूरे सर्किट में और कोई चेंजिंग्स नहीं लानी, सिर्फ एक अननोन ईएमएफ जो बैटरी आपने यहाँ पर कनेक्ट करनी थी और साथ एक अदद गैल्वानोमीटर कनेक्ट कर दिया। अब देखें कि आपको कुछ चीज़ें, कुछ बातें यहाँ पर जो हैं वो याद रखनी है, वो ये कि ऑल हायर पोटेंशियल्स शुड बी कनेक्टेड एट टर्मिनल ए एंड ऑल लोअर पोटेंशियल्स शुड बी कनेक्टेड टू एट पॉइंट बी। यानी जो अननोन ईएमएफ है उसका पॉजिटिव टर्मिनल नॉन ईएमएफ के पॉजिटिव से और अननोन का नेगेटिव नॉन ईएमएफ के नेगेटिव से कनेक्ट होना चाहिए। अब वैल्यू ऑफ नॉन पोटेंशियल मस्ट बी ग्रेटर देन द अननोन। जो हमारे पास मेन बैटरी है ना स्टूडेंट्स, याद रहे कि इसका पोटेंशियल इस बैटरी के ईएमएफ से ग्रेटर होना चाहिए है फॉर द राइट मेजरिंग अननोन ईएमएफ। और ये भी याद रहे कि डायमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर मस्ट बी सेम एवरीवेयर। अब होगा क्या, अभी आपने देखा कि जब हम इस सी स्लाइड जोकी को स्लाइड करते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यूज चेंज होती। इट मींस के इसको स्लाइड करने पर कभी मेन बैटरी का पोटेंशियल हावी आ जाएगा तो कभी अननोन का पोटेंशियल हावी आएगा। उस पर कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने कि अगर ई एक्स यानी अननोन ई एम एफ ग्रेटर है ई से, मतलब आप जोकी किसी ऐसे पॉइंट पर टच कर देते हैं जहां पर ई एक्स की वैल्यू ग्रेटर है जो नॉन बैटरी है उसके ईएमएफ से, तो गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन होगी किसी एक डायरेक्शन में। लेकिन अगर आप ईएक्स इस जोकी को किसी ऐसे पॉइंट पर ले जाते हैं कि जहां पर ईएक्स की वैल्यू लेस हो जाती है ई से, तो फिर गैल्वानोमीटर जो है वो अपनी डायरेक्शन जो है बिल्कुल ऑपोजिट कर लेगा। इसका मतलब है कि इन दोनों ईएमएफ के कम ज्यादा होने से गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन जो है वो राइट लेफ्ट होती रहेगी। मगर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि आप जोकी को किसी एक ऐसे पॉइंट पर टच कर बैठे जहां पर ई एक्स और ई नॉन और अननोन की वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल सेम हो, तो स्टूडेंट्स वहां पे कोई करंट गैल्वानोमीटर में से फ्लो नहीं करेगा। इसी को नल डिफ्लेक्शन या नो डिफ्लेक्शन प्रिंसिपल कहते हैं पोटेंशियोमीटर में। अब उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उसके लिए हम वही इक्वेशन कि जिस पॉइंट पर हमने टच किया है उस पॉइंट पर रेजिस्टेंस स्मॉल आर क्या थी, कैपिटल आर क्या थी, यानी वही आर हम एल से रिप्लेस कर देंगे, वही कैपिटल आर हम कैपिटल एल से रिप्लेस कर देंगे। तो सिंपली क्या है कि जिस पॉइंट पर हमें जीरो करंट कंडीशन मिली है हम वो लेंथ मेजर करेंगे, उसको टोटल लेंथ पे डिवाइड करेंगे और उसको बैटरी के मेन वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दैट्स हाउ वी विल बी एबल टू मेजर द बैलेंस पोटेंशियल या अननोन ईएमएफ विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। याद रहे कि जोकी ने उस पॉइंट पर बैलेंसिंग कंडीशन नोट की है। बैलेंसिंग कंडीशन का मतलब है कि कोई करंट जो है वो अब गैल्वानोमीटर में से फ्लो नहीं कर रहा, उसकी रीजन कि अननोन और नॉन बैटरी का ईएमएफ उस एक सर्टेन पॉइंट पर सेम हो गया। तो ये था तरीकेकार अननोन ईएमएफ फाइंड करने का। इसके बाद स्टूडेंट्स कंपेयरिंग द ईएमएफ का सीन क्या है, कंपेयर कैसे करना है। तो फर्ज करें वही सर्किट है आपके पास, लेकिन अब आपके पास दो अलग अलग बैटरीज कनेक्ट है E1 एंड E2 और उसी तरह गैल्वानोमीटर कनेक्ट है और उसके साथ एक और पिन कनेक्ट है। अब आप ऐसा करेंगे कि आप पहले गैल्वानोमीटर को लेट से कनेक्ट कर लेते हैं E1 से और इसकी बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करते हैं, वो लेंथ जहां पर करंट कंडीशन जीरो हो जाए। लेट से वो L1 है तो हम लिखेंगे जी E1 इज इक्वल टू L1 ओवर L इनटू E। फिर इसी तरह आप सेल 2 का बैलेंसिंग पॉइंट नोट करेंगे, वो आपको जारी बात है सेम तो नहीं होगा, कोई डिफरेंट हो सकता है, तो वो L2 होगा तो आप E2 लिखेंगे, L2 डिवाइडेड बाय L इनटू E। वही पिछली इक्वेशन जो EX वाली थी उसी को यहाँ पर रिप्लेस किया गया। अब कंपैरिजन का मतलब होता है रेशियो फाइंड करना, तो सिंपली क्या किया कि हमने E1 को E2 पे डिवाइड कर दिया,
स्टूडेंट्स EL और EL से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास फाइनल इक्वेशन क्या बन गई, E1 ओवर E2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2। तो यू कैन सिंपली कंपेयर द EMFs ऑफ टू सेल्स बाय सिंपली फाइंडिंग द बैलेंसिंग लेंथ, जहां पर उनके अंदर करंट कंडीशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और फाइनली ये एक डिफरेंसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर में, इन डिफरेंसेस को आपने पढ़ना है, बहुत ईजी है, और इनको मेमोराइज करने की कोशिश करनी है, और कोशिश करें कि आप इन्हें अपनी बुक पर नोट कर लें। तो यहाँ तक था स्टूडेंट्स पोटेंशियोमीटर का टॉपिक, अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे। और जाने से पहले ये कुछ एप्लीकेशन हैं पोटेंशियोमीटर की, उसमें से कुछ मैंने आपको जो है परफॉर्म करके दिखा भी दी हैं, और कुछ जो हैं जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ थर्मो EMF है या कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर एंड एमीटर है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर की। यहाँ तक था आज का हमारा टॉपिक, इसको स्टेप बाय स्टेप आपने याद रखना है, बुक से भी पढ़ना है, और इस टॉपिक को फिर ताकीद करूंगा पढ़ने के लिए, रियोस्टेट का टॉपिक जो है उसे आपने लाजमी समझना है। तो स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।